श्वेता, कोरोना मर्ज के खिलाफ इस उम्मीद के साथ कि कुछ आगे बढ़ेंगे, वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, लेकिन वैक्सीन इतनी जल्दी आ जाएगा किसी को यकीन नहीं था। आज अगर हम सफेद कपड़ों में देवदूतों की बात करते हैं तो आप सब ने इतने दिनों तक, इतने महीनों तक उस उम्मीद को भी बांधे रखा और सेवा भी करते हैं। हाँ, इस वैक्सीन की उम्मीद तो हमें बहुत समय से थी कि ये कब आएगी। आज वो शुभ घड़ी आई गई है जब हमारी वैक्सीन आ गई है और हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही इफेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव होगी। आप लोगों का भी नंबर एक एक करके आ रहा है वैक्सीन लगाने के लिए। हाँ, शायद हम लोगों का नंबर काफी जल्दी आ जाएगा। आई थिंक वी आर लकी कि हम लोग इतनी जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और इस बीमारी से जो कि जानलेवा है प्रोटेक्शन कुछ मिलेगी हमें। ये सब स्टाफ यही के हैं, सारे लोग जो यहाँ पर इतने दिनों से काम कर रहे थे, अब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। नहीं, आज तो शर्माने का दिन नहीं है ना। अब आप लोग सबको, हाँ, अब आप लोग सबको वैक्सीन लगने की शुरुआत हो रही है। कितना, क्या इस समय क्या मन में चल रहा है जब पहला वैक्सीन मिला? अभी मिला नहीं है वैक्सीन, अभी तो हमारे नंबर जो पहला वैक्सीन सेंटर पे लग गया है। मैम, मिल गया और उससे मतलब यही है कि भाई हम कोविड से थोड़ा मतलब बचेंगे, अब मतलब कोरोना वायरस से बचने के लिए। सबके मन में डर तो है कि भाई वैक्सीन लगाने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, रिएक्शन तो नहीं हो रहा बस, लेकिन उनको लग गया तो उससे लग रहा है कि नहीं सब ठीक है। जिन जिन को, हाँ जी, सबसे ठीक। सब ऑब्जर्वेशन ये कि वैक्सीनेशन हमारे हॉस्पिटल में शुरू हो गया है और हमारे हॉस्पिटल के सारे कर्मचारियों को मिलेगा, उसकी हमें और ज्यादा खुशी है, क्योंकि हम सब लोग कोविड से जूझ रहे हैं और सभी को देख रहे हैं, पेशेंट्स को सभी को देखभाल कर रहे हैं बहुत अच्छे से, और हमें इस वक्त बहुत खुशी है कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया और हम अच्छे से और अच्छे से लड़ सकते हैं। लेकिन आप लोग तो उस समय भी काम कर रही थी ना जब कोई उम्मीद नहीं थी ऐसी, तो आज तो हिम्मत और बढ़ी। बहुत खुशी हो रही है कि भाई इंजेक्शन आ गया कि भाई सब मतलब और ठीक होंगे। इधर कोविड में किसी भी तरह से कोई किसी को डाउट लगता है? डर नहीं है हमें, हम बहुत अच्छे से इसको फेस कर रहे हैं। अब बिल्कुल डर नहीं है, हम तो डर निकल चुका, अभी डर निकल चुका है हम। मैम, ये बताइए कि कोविड हो भी चुका है, बताइए कोविड हो चुका है, उसे जूझ कर वापस कोरोना वॉरियर्स, इसलिए कोई टेंशन नहीं। बहुत स्टाफ को हो रहा था, उस समय कैसा लगता था? बहुत दुख लगता था कि हमारी स्टाफ को हो रहा है, लेकिन ये है कि पेशेंट को सर्व करते हुए झेला उन्होंने ये सब। और कितने कितने दिन यहाँ पे रहना पड़ रहा था आप लोगों को, कितने कितने दिन घर को मतलब दूर रहते? एक एक महीने का ड्यूटी लगते थे हम, एक महीना जी, एक एक महीने तक अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के हमने अच्छे से ड्यूटी किया अपने घर को वो करके। ये तो बाकी त्योहार होते हैं, होली दीपावली का त्योहार होता है, लेकिन ये उत्सव तो आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत खुशी है ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। और और हाँ जी, हम किचन के इंचार्ज हैं और हमारी मैडम है, डाइटिशियन नहीं है। तो बेसिकली अस्पताल में सबको काम करने वाले और अस्पताल में ख्याल रखने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पर होते हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि परिचय के साथ अगर आप अपना शुरू कर पाए इसमें। मैं आई डिपार्टमेंट का हेड हूँ, डॉक्टर गोवेकर, ठीक है। वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, अब देखो क्या होता है, मतलब फर्स्ट डे है आज, डे वन। लेकिन अभी जैसा जैसी उम्मीद थी उस हिसाब से चल रहा है। मैडम, मैं डॉक्टर गौतम हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डेंटल सर्जरी यहाँ पे आरएमएल हॉस्पिटल में, और वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छी तरह चला है, अब आज से शुरुआत है। लोगों में जोश है, पर कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ लोगों में है अभी। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि उस डर को दूर करने के लिए, उन वहम वो भ्रम पूरा दूर करने के लिए सबसे आगे स्वास्थ्य कर्मी ही हमारे खड़े हैं हर बार की तरह। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम तो उत्साह के साथ में खड़े हैं और बहुत ही उत्साह है हमारे अंदर, और हम चाहते हैं कि भी हमें कम नजर आ रही है आज के इस उत्सव को देख के, होली दिवाली भी हमें कम नजर आ रही है, क्योंकि जो मकाम हमने देखा इस अस्पताल के अंदर उनको हम बयान नहीं कर पाएंगे आप लोगों के सामने। वो त्योहार तो समझिए कि वो हम मनाते ही हैं, वो तो इतने सालों से वो त्योहार मनते चले आ रहे हैं, हमारी पुरातन सभ्यता का हिस्सा है, लेकिन आज जब वैक्सीन यहाँ पर दी जा रही है तो किसी उत्सव से कम नहीं है ये। ये तो हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत गर्व की बात है और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि पहला ट्रायल, पहला जो रोल आउट हो रहा है वो हमारे इधर से ही हो रहा है, और हमारे यहाँ से 100 कैंडिडेट्स भी अभी नॉमिनेट हो गए हैं। अभी सब बहुत एक्साइटेड है इसके लिए और सब चाहते हैं कि जितनी जल्दी कोरोना को फाइट करके हम अपने देश से निकाल सके, उतना जल्दी हम करने के लिए सारे हेल्थ वर्कर्स सब मिलके ये आगे बढ़े हुए हैं, ताकि हम लोग अपने देश को भी और अपने देशवासियों के लिए हम एक तो हमें एक तो लोगों के अंदर जो डर है वो मिटाना है, तो वो
हम ही से ही शुरू होके हम ही शो करके दिखाएंगे कि हम लोग लगवा रहे हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई डरने की बात नहीं है। ये तो अभी जब वैक्सीन पहला लगा है उसके बाद आधे घंटे तक उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन जो भी अभी तक जानकारी मिल पाई है उस हिसाब से सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है मैम, सब ठीक है। यहाँ कोविशील्ड लग रहा है या कोवैक्सीन लग रहा है? तो यहाँ कोवैक्सीन लग रहा है, जिसको लेकर पॉलिटिक्स में तो खूब सवाल उठ गए, लेकिन सोचिए कि वो भी हमारे हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने वो काम किया है वहां पर, जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया है, और उस पर सवाल उठा रहे हैं जिस पर कंट्रोवर्शियल व्यू है ना उसका कोवैक्सीन, तो इस वजह, लेकिन दुनिया के बाकी देश भी चाह रहे हैं, तो मेड इन इंडिया दो वैक्सीन, और ये जो हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं ये मेड इन इंडिया हौसला है, ये मेड इन इंडिया हिम्मत है, जो इतने दिनों से आप लोग दिन रात लगे रहे। जी बिल्कुल, हमारा तो एक्चुअली वी आर डाइटिशियंस हियर, तो हमने तो बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश किया जितना बेस्ट हम दे पाए पेशेंट्स को उतना दें, क्योंकि दे आर आउट ऑफ होम तो दे नीडेड मोर, तो हमें जितना हाई प्रोटीन जितना एंटीऑक्सीडेंट रिच हम दे पाए वी हैव गिवन एवरीथिंग। एंड अब वैक्सीन आ गई है तो होपफुली थिंग्स विल बी नॉर्मलाइज एंड वी कैन लिव लाइफ द वे वी यूज टू एंड लुकिंग फॉरवर्ड। यहाँ पे देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी भी हैं। सर सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, हमारे सुपरिंटेंडेंट, हमारे एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ने भी अभी वैक्सीन दिलाया, बहुत अच्छा है, बहुत तजोतारगी है, काफी आत्मविश्वास भी है, और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो ये अंतिम बार है वैक्सीन के रूप में ये सफल होगा, ये संपूर्ण भ्रांतियों को दूर करके क्रांति शुरू हो गया। जी निजी आपका इस समय मन में क्या एहसास है, बहुत लोगों की आंखें भर आई है? नहीं देखिए, मैं स्वयं अभी इस संक्रांत से मैं दो चार दिन पहले वापस आया हूँ, स्वयं मैं अस्पताल में 10 दिन भर्ती रहा, मैंने देखा है जिस प्रकार से माँ बच्चे को बीमार रहने पर आंचल लेकर के जाती हैं, बच्चा बड़ा अच्छा अनुभव करता है, जिस प्रकार से इन तमाम नर्स डॉक्टर ने चिकित्सा कर्मियों ने पीपी किट्स पहन के 6-7 घंटे तक कोई भी प्राकृतिक चीजों को रोकते हुए, यहाँ तक कि थूक भी आए तो थूक को घोंट लेते थे, और माँ के समान 2-2 बजे रात में आकर के जिस प्रकार से हालचाल लिया, मैं आज सचमुच में उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, तमाम चिकित्सक चिकित्सा कर्मियों के प्रति जिन्होंने इस प्रकार के अपने जान की बाजी लगा करके और सेवा का भाव से, मानव सेवा माधव सेवा, मैं सचमुच में आज जो प्रधानमंत्री जी भावुक होकर के आज अर्धांजलि जो श्रद्धांजलि के रूप में उन तमाम जो लोग खो गए, जो चिकित्सक चिकित्सा कर्मी अन्य कोरियर कोविड वॉरियर्स खो गए चले गए इस दुनिया से, मैं उन तमाम लोगों को भगवान के प्रति भगवान से श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें और इस लड़ाई को सफल बनाएं। आज का जो ये अंतिम वार है प्रधानमंत्री जी का, मुझे विश्वास है कि सारी भ्रांतियों को दूर करके हम इस क्रांति को आगे ले जाएंगे और कोरोना के विरुद्ध ये संघर्ष हमारा संघर्ष समाप्त होगा और 2021 का पल सुखद होगा सबके लिए, मानवता के लिए। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि मकर संक्रांति का त्योहार हुआ और उसके बाद वैक्सीन क्रांति का त्योहार यहाँ पर शुरू हो रहा है। पहला टीका आज यहाँ पर भी आरएमएल अस्पताल पर भी लग गया है और चेहरों की खुशी, चेहरों की राहत ये बता रही है कि किस तरीके से इसका इंतजार हो रहा था। अब आज तो 100, लेकिन आपको लगता है कि इतना एक बड़ा टारगेट है हिंदुस्तान का जितना दुनिया में किसी ने नहीं किया है, हम सफल होंगे उस? बिल्कुल सफल होंगे, ये हमारी आशा भी है और उम्मीद भी है कि हम जरूर सफल होंगे और इसके थ्रू हम इस बीमारी पे जीत पालेंगे जो इतनी मृत्युजनक रही है, जिसकी मोर्टैलिटी इतनी ज्यादा रही है, और ये वैक्सीन ही एक इलाज है, इसके ऊपर हम विश्वास करके अगर लगवाएंगे तो हम जरूर ऐसी इम्यूनिटी पाएंगे जो डिजीज की जैसी होती है और इससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, जो एंटीबॉडीज होती है हमारे अंदर वो वैक्सीन के थ्रू ही बननी है और हमें इसके लिए अग्रसर रहना पड़ेगा ताकि हम सभी जितनी भी हिंदुस्तान की जनता है हमें विश्वास है कि हम जरूर उनको कवर करके और ये हर्ड इम्यूनिटी पालेंगे। देखिए वाकई जब हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बात करते हैं ना तो डॉक्टर्स होते हैं और डॉक्टर्स का पूरा सपोर्ट स्टाफ होता है, सिक्योरिटी में जो अस्पताल में रहे ऐसा नहीं है कि उन्होंने खतरा नहीं उठाया है, आप लोग भी तो दिन रात निकल कर आए। जी मैडम, हम आप लोगों को भी वैक्सीन लगेगी? जी बिल्कुल लग रहा है, आज हमारा गार्ड को भी लगा है वैक्सीन। ठीक है, एकदम बात हुई तंदुरुस्त है अभी अंदर ऑब्जर्वेशन? हाँ जी जी मैडम। अच्छा, तो
ऑब्जर्वेशन में है लेकिन ठीक है सब। और अब एक तरह से देश जो इतने दिनों तक कृतज्ञ रहा है उन सब लोगों के लिए जो अपने घरों से उस समय में निकले जब हम सब अपने घरों में थे, जब बाकी लोग अपने घरों में थे, तो वो कृतज्ञता आज एक तरह से हिंदुस्तान की तरफ से शुक्रिया कहने का भी तरीका है कि हाँ पहले उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगना चाहिए ये टीका। और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आज समझिए कि शंखनाद हुआ है, आज पहला कदम उठाया गया है, लेकिन जब तक कम से कम पहले चरण का वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक इस बात का ध्यान रखना है कि ढिलाई बरती नहीं जा सकती है। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।